तो दोस्तों, देश में एक और नई भसूड़ी आ चुकी है। बाकी सारी प्रॉब्लम्स को एक तरफ छोड़ के हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। पेट्रोल के बारे में बात नहीं हो रही, जीडीपी के बारे में बात नहीं हो रही, जो यस बैंक के साथ हुआ उसके बारे में बात नहीं हो रही, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रही है, जिस तरीके से और भी कंपनीज को बेचा जा रहा है उसके बारे में बात नहीं चल रही, एनपीएस के बारे में बात नहीं चल रही। हम बात यहां पर कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। तो लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को दे देता हूं दोस्तों। जो एमएलएज साथ में छोड़ के चले गए ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, जिसके बेसिस पे भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया भी, रूबिका लियाकत जैसे लोग ये सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ऑलरेडी बन चुकी है, उनमें से 10 एमएलएज ने, सूत्रों के हवाले से खबर आई है, एनडीटीवी में छपी है एक खबर, 10 एमएलएज उनमें से कह रहे हैं कि भाई हम बीजेपी में जाने को रेडी नहीं है। इसमें से 2 मंत्री भी हैं। उन्होंने जो बात बोली है उनका ये कहना है कि हम लोगों ने आपके सपोर्ट में कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, बीजेपी में जाने के लिए कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ा। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा कहा है, अगर ऐसा हुआ है जो कि एनडीटीवी के सूत्र बता रहे हैं, तो इसमें अपने आप एक बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं एथिक्स को भी हम इसमें जोड़कर इसमें देख सकते हैं साथ में। अब आप लोग सोच रहे हो दोस्तों, देश में मंदी है, चारों तरफ प्रॉब्लम छाई हुई है, हर तरफ मंदी आई हुई है। पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल के दाम कम नहीं करती सरकार, जो इंटरनेशनल मार्केट में लगातार नीचे जा रहे हैं दाम, उसके हिसाब से दाम कम नहीं होते देश में। उसके बाद महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। उसके बाद स्टॉक मार्केट पिछले 10 साल के ऑल टाइम लो पे आ चुकी है। जीडीपी इतनी नीचे चल रही है कि 5 से भी नीचे जा चुकी है। येस बैंक, पीएमसी, एलआईसी और पता नहीं दुनिया जहान की बहुत सारी चीजें। आप लोग सोच रहे हैं मंदी है, लेकिन मैं यहां पर बताना चाहता हूं दोस्तों, देश में मंदी नहीं है। धड़ल्ले से भारतीय जनता पार्टी जो है वो एमएलए की खरीद फरोख्त कर रही है। एक नया ट्रेंड बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी, हॉर्स ट्रेडिंग का ट्रेंड। मतलब आप चाहे सरकार बनाने की सिचुएशन में है या सरकार बनाने की सिचुएशन में नहीं है, सरकार तो बॉस आपकी ही बनेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, पैसे ले दे के हम सरकार बना लेंगे। और ये हॉर्स ट्रेडिंग की जो बातें हैं, ये हमारे मोदी जी खुद स्वयं ही मंच से चढ़कर बोल चुके हैं। बंगाल में आपको अच्छे से याद होगा, जहां पर उन्होंने लोकसभा के कैंपेन में हॉर्स ट्रेडिंग की बात करी थी। हमारे देश का पीएम हॉर्स ट्रेडिंग की बात करता है, हमारे देश का होम मिनिस्टर हॉर्स ट्रेडिंग की बात करता है। तो आखिरकार इस देश में इलेक्शन हो ही क्यों रहे हैं यार? क्यों हम इतना वक्त इलेक्शन पे खर्च करते हैं? क्यों हम इतना फंड्स, रिसोर्सेज इलेक्शन पे खर्च करते हैं? सारी जो मशीनरी है, सारी सब कुछ काम छोड़ के इलेक्शन पे लग जाती है, अधिकारी बड़े बड़े आके इलेक्शन पे लग जाते हैं। क्यों इलेक्शन हम करते हैं अगर पैसे की खरीद फरोख्त से ही सरकार बनानी है? सबसे बड़ी बात। अब यहां पर एक चीज और सामने आती है दोस्तों, कि जो कांग्रेस के एमएलए थे, कांग्रेस ने कल विधायक दल की बैठक बुलाई, वहां पर 90 के आसपास एमएलए आए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बुलाई और उसमें कहा यह गया कि 60 के आसपास एमएलए गए। इन 60 एमएलए के आसपास को इस टाइम पे गुरुग्राम के एक बहुत बड़े होटल में, आलीशान होटल में रखा गया। इसका नाम है आईटीसी ग्रैंड भारत। अगर आईटीसी ग्रैंड भारत की यहां पर बात करूं, एक रफ अगर हम कॉस्टिंग निकालें दोस्तों, यहां पर एस्टिमेट बनाएं, तो 30,000 रुपये का एक कमरा है, 30,000 रुपये का एक कमरा, और 60 लोगों को इस रिजॉर्ट, इस होटल में रखा गया है। तो रफली अगर बात करें तो दोस्तों 18,00,000 रुपये खर्च किए गए हैं एक रात के इन एमएलएज को आईटीसी ग्रैंड भारत में रुकवाने के लिए। 18,00,000 रुपये सिर्फ इस चीज़ पर खर्च किए गए हैं। प्लस ये लोग जो एक दिन में खाना खाएंगे दोस्तों, वो भी लाखों रुपये का होगा, क्योंकि इतने महंगे होटल में, जहां पर इतना महंगा सिर्फ कमरा होता है, वहां खाना तो कोई मुफ्त में 10-20 रुपए का मिलेगा नहीं, डेफिनेटली वहां खाना भी महंगा मिलेगा। तो ये है फकीर पार्टी की फकीरियत असली। अब आप खुद सोचिए, 18,00,000 प्लस अगर 4-5 लाख रुपए खाने में खर्च करते हैं, तो 20-22 लाख रुपए एक रात के खर्च किए जा रहे हैं। अगर 2 या 3 रात भी ये लोग रुकते हैं, तो 50-60 लाख रुपए सिर्फ इन एमएलएस की खुशामत में ही, इनको सिक्योर रखने के लिए ही खर्च कर दिए जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात से भी पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी डर है कि उनके एमएलएज भी चोरी हो सकते हैं इस टाइम पे। यहां पर बात यह भी निकल के आती है कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो दोनों तरफ से पॉसिबल है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं हॉर्स ट्रेडिंग करती, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इन एमएलएज को सेफ रख के ये भी बता रही है कि कांग्रेस पार्टी भी हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है। और दूसरी बात दोस्तों, आप ये समझिए इस चीज से कि अगर 20-22 लाख रुपए पर नाइट खर्च किए जा रहे हैं या फिर 50-60 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, इस 50 लाख रुपए में कितने सारे गरीब लोगों का पेट भर जाता है। एक बार खुद
इस चीज का एस्टिमेट लगा लीजिए। और अगर मोदी जी कहते हैं कि वो फकीर हैं और ये फकीरों की पार्टी है, तो आखिरकार फकीरों के पास सिर्फ इस काम के लिए 50-60 लाख रुपए कहां से आ रहे हैं? 50-60 लाख रुपए आ रहे हैं पूंजीपतियों के पास से। पूंजीपतियों के पास कहां से पैसे आ रहे हैं? क्या उनकी कंपनीज प्रॉफिट में चल रही हैं? नहीं, पूंजीपतियों के पास पैसे आ रहे हैं आपके और मेरी जेब से। हमारा हार्ड अर्न, हमारा मेहनत का पैसा पूंजीपति लूट रहे हैं आके, और पूंजीपति लूट के एक हिस्सा उसमें से दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ऐसे फिजूल खर्चों में भी खर्चे कर रही है। तो ये सिचुएशन है इस टाइम पे। अब अगर मैं सच बात बताऊं, अगर जो मेरे को लगता है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग कांग्रेस में रहने चाहिए थे और कांग्रेस में डेफिनेटली उनके होने से फायदा होता। आप भी एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों के होने से कांग्रेस में फायदा होता या नुकसान। क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली बात क्या है, अल्टीमेटली बात यह है कि यंग फेसेस, यंग एनर्जेटिक और डायनामिक फेसेस का एक पार्टी में होना जरूरी है उसको आगे ड्राइव करने के लिए। क्या सोनिया गांधी इस पार्टी को हमेशा आगे के लिए ड्राइव करती रहेंगी? डेफिनेटली नहीं। यंग और एनर्जेटिक फेसेस की डेफिनेटली जरूरत थी। जितनी गलती यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की, अगर पार्टी छोड़ने में बहुत सारे लोग बता रहे हैं, तो उनका ध्यान मैं इस चीज पर भी डालना चाहूंगा कि जितनी गलती अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की है, उतनी ही बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की भी है, लीडरशिप की भी है। क्योंकि दोस्तों लीडरशिप के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो अपने पार्टी के वर्कर्स को, खासकर से जो स्पेशल वर्कर्स होते हैं या फिर अच्छे लेवल के वर्कर्स होते हैं, उनको किस तरीके से मैनेज करके रखती है। अगर कोई और पार्टी उनको अच्छे से ज़्यादा मैनेज कर रही है, तो ऐसे में भी कांग्रेस पार्टी का ही कहीं ना कहीं एक फेलियर मैं कह सकता हूँ यहाँ पर होता है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक भाई हैं, चचेरे भाई, उनका खुद ये बयान आता है, वो ये बताते हैं कि लगभग कई महीनों से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की जो लीडरशिप है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। दोस्तों इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी भी अपने विपक्ष के जो रोल है उसको निभाने में पूरी तरीके से फेलियर साबित हो रही है, यहाँ पर ये कहा जा सकता है। और आप भी खुद एक बार सोचिए कि अगर ज्योतिरादित्य को छोड़नी थी पार्टी, तो वो क्या पहले नहीं छोड़ सकते थे? कांग्रेस पिछले 5 से 6 साल से पावर में नहीं है, आखिरकार ऐसे में उन्होंने 6 साल बाद ये स्टेप क्यों लिया? डेफिनेटली उन्होंने कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच भी करा होगा। लेकिन आदमी कोई भी क्यों ना हो, कितना भी क्लोज क्यों ना हो, वो डेफिनेटली अपने बारे में भी कहीं ना कहीं सोचता है। और जैसा कि ज्योतिरादित्य ने यहाँ पर बोला कि वो लोगों की सर्विस करना चाहते थे, लोगों की मदद करना चाहते थे, और कांग्रेस में रह के ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो हमारे को इस चीज़ को भी इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, इस चीज़ पर भी ध्यान डालने की ज़रूरत है कि क्या कांग्रेस यंग लीडर्स को आगे बढ़ने से रोक रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को कोई ओवरशैडो ना कर दे या प्रियंका गांधी को कोई ओवरशैडो ना कर दे। ज्योतिरादित्य सिंधिया से मेरा कोई पर्सनल अटैचमेंट या फिर मेरी कोई किसी भी तरीके से, मैं उनके पक्ष में नहीं बोल रहा यहाँ पे, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में बोलना भी कहीं पर भी सही नहीं होगा इसे। और दोस्तों अब आना चाहता हूं उन 60 एमएलएस के ऊपर जिनको फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आईटीसी ग्रांड में रखा हुआ है। इतने पैसे ना खर्च करके अगर भारतीय जनता पार्टी इनको और कुछ नहीं बल्कि वुहान जैसी जगह पर ही भेज देती, अब वुहान पे आप लोग सोचेंगे कि कोरोना वायरस का बहुत बड़ा खतरा है, तो यार मैं कहता हूं कि बहुत सारा 2-3 लीटर भर के इनके साथ गौमूत्र भेज दिया जाता, ये लोग वहां पर गौमूत्र पी के जिंदा रह लेते, इनको डेफिनेटली किसी भी तरीके का कोई वायरस नहीं होता सिवाय भारतीय जनता पार्टी के वायरस के। तो मुझे लगता है कि इससे कुछ कम खर्चा हो जाता, और ऐसे फिजूल खर्चे अगर पार्टीज करती हैं तो क्यों वो आखिरकार देश के वेलबींग में या फिर देश की डेवलपमेंट में पैसे नहीं डालती अपने पास से? ये एक बड़ा पूछा जाने वाला सवाल है। अब दोस्तों वहीं दूसरी तरफ आपका ध्यान डालना चाहूंगा कि जब ये सरकार बनी थी 11 दिसंबर 2018 वो दिन था जब मध्य प्रदेश के इलेक्शन रिजल्ट आए थे, उस टाइम पर भी कांग्रेस के पास पूरा पर्याप्त नंबर नहीं था। कांग्रेस ने बीएसपी और समाजवादी पार्टी से मिलकर उनके सपोर्ट से सरकार बनाई थी, उसके बाद भी बहुत सारे विवाद सामने आए। जब कमलनाथ चीफ मिनिस्टर बने थे उस टाइम से ये कयास लगाया जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनका जो खेमा है, उनके जो फॉलोअर सपोर्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात से नाखुश हैं कि उनको ना तो सीएम बनाया गया ना डिप्टी सीएम बनाया गया, कोई भी बड़ा पद उनको नहीं दिया गया। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी का ये कहना है, दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि पिछले 16 महीनों में कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के एरिया में बिना उनकी परमिशन के या फिर बिना उनकी इजाज़त के लिया गया हो। अब ऐसे में सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, वो एक तरफ है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बड़ा गलत स्टेप लिया वो ये था कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी तो छोड़ी, लेकिन ऐसे में वो अपने एक नई पार्टी का फॉर्मेशन भी कर सकते थे या इंडिविजुअली भी चल सकते थे। उनका बीजेपी में जाना कहीं ना कहीं ये एक क्रिटिकल स्टेप है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
जो कि इस तरीके से देश को फांसीवाद ताकतों के जरिए खत्म करने में लगी हमारे संविधान को, उसका सपोर्ट देना, उसकी बहुत ज़्यादा खिलाफत सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं देखी जा रही है। सोशल मीडिया पे वहीं कोरोना वायरस की कोई चर्चा नहीं हो रही, यस बैंक की फिर से कोई चर्चा नहीं हो रही। राणा कपूर जैसे लोग जो यस बैंक में एक बहुत बड़ा फ्रॉड करके बैठे थे, उनको आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों से एक बड़ी हेल्प मिल जाएगी कि उनके ऊपर से सारा फोकस हट जाएगा, ऐसे में वो थोड़े मोड़े पैसे की लेन देन से भी अपनी जान यहाँ पर बचा सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कर रहे हैं या फिर उनके साथ जो हुआ उसको दोनों तरफ से इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, सिर्फ एक तरफ से नहीं। इस बात को आप भी समझ लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करिएगा इसको।